हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग HDVX। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं अपर्णा देवगाल का एक वीलॉग 251, जिसका टाइटल उन्होंने दिया कि अडॉप्टेड टू बेबी स्नेल्स। बेबी स्नेल्स मतलब स्नेल्स भी लोग अडॉप्ट करते हैं, करते ही होंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। और हमेशा की तरह हमें पता है कि इनके वीलॉग का टाइटल कुछ होता है, लेकिन वो एक सर्टन पार्ट होता है और अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो लास्ट तक देखेंगे जी, और आपने भी लास्ट तक रहना है, और हम सब्सक्राइब तो करके ही जाने हमें। ठीक है, शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। तो नीना दिने में से स्नेल निकला। अच्छा, सब्जी लाए थे उसमें से निकला। राजू कहती है मर गया, क्योंकि फ्रिज में पड़ा था पुदीना काफी टाइम से। तो मैंने देखा कि ये इसकी आंखें हिल रही है, मैंने अच्छे से नोटिस किया, और ये जिंदा था और अभी चल रहे थे मेरे हाथ पे आ गया, और मैं इसको पालूंगी। राजू और मिले तो देना मेरे को, ठीक है? अब इसके लिए थोड़ा रहने का कुछ बनाते हैं, ठीक है? पता नहीं इसने कैसे सर्वाइव किया होगा फ्रिज में। देख राजी, ध्यान से, एक और मिल जाएगा तो उसका फ्रेंड हो जाएगा, उसको कंपनी हो जाएगी, ऐसा अकेला फील करेगा ना। अकेले ढूंढना यार, ढूंढो। बेचारा कितना क्या फील कर रहा होगा, मतलब अरे छोटी सी दुनिया उनकी, उसी में बहुत है वो। एक्चुअली मैं एंटमैन फिल्म भी देखी थी ना, उन सबको मैं पालना चाहती थी, तो मैंने सोचा किसी दिन बड़ा सा कोई ग्लास का कुछ लूंगी, फिर उसमें उन सबको रखूंगी इकट्ठे, खाना पीना सब मस्त, पार्टी शार्टी होगी। पर वो मेरा, फिर मैं दिल्ली आ गई, मेरा सपना अधूरा रह गया, तो ये स्नेल आज मुझे मिल गया, तो शायद इसकी किस्मत में लिखा कि मैं इसको पालूं। अच्छा, ये देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा बेबी है, कितना क्यूट है, बहुत ही छोटा है। इसके अंदर मैं मिट्टी डालूंगी, आई थिंक मिट्टी इसके रहने के लिए अच्छा होगा। टट्टी क्यों की मेरे हाथ में, रियल में बहुत सुंदर है पता है। हाँ, बहुत सारी कर दी है ना, इतना शोर मचा रही हो यार। अब मेरे हाथ में चढ़ा हुआ, इसको छोड़ भी नहीं सकती मैं ऐसे। अच्छा यार, ये हाथ पे धागा बांधते हैं मिट्टी के ऊपर, मैं रख दूंगी पुदीना। ये किस लिए होता है? मतलब हमारे यहाँ शिया हजरात या सुन्नी भी डालते हैं धागा, वो मन्नत का धागा होता है। तो ये किस लिए होता है बताना है, करना पड़ेगा है ना। आप कहाँ जा रहे हो? वाह यार कितना सुंदर है ये, बड़े होके बहुत सुंदर होगा दिखना। बस इसका कोई पार्टनर मिल जाए ना मेरे को, बड़े होने में टाइम लगता है, नीचे मर जाएगा। इसने फ्रिज में कैसे सरवाइव किया मेरे को समझ नहीं आ रही, इतना ज्यादा भी टेम्परेचर लो नहीं होता फ्रिज में, मिट्टी के अंदर छुप भी सकता है। मिट्टी के अंदर छुप गया फिर मैं कैसे निकालूंगी इसको, तो बहुत छोटा है। खिदमत चल रही है भाई उसके। चलो जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, कितना सुंदर लग रहा है। वाओ यार, नाखून से भी छोटा है यार, सो सो प्रिटी। ऐसी ये वाली ब्रीड पुंछ में नहीं होती, बस इसका कोई पार्टनर मिल जाए फिर इसको अकेला फील नहीं होगा। तो स्नेल्स को मॉइस्चर चाहिए, इसलिए मिट्टी के लिए कर रही हूँ। मिट्टी के लिए होगी तो एंजॉय। क्या नीचे सुकून क्या कर रही है, किस पर तरस खा रही है? अपने आप पे पत्ता ही रख दे, यहाँ सीधे ऊपर पत्ते रखूंगी ना, क्या बात करती है। तो अच्छा सा घर बना के दूं किसको, मैं बेटा है मेरा ये या फिर बेटी है। मिट्टी हो गया चुलबुली, अभी तो उसका जेंडर पता ही नहीं है कुछ। चूस चूस के वैसे घर आपका तैयार है मैडम, कितना छोटा सा है उसके लिए इतना बड़ा बॉक्स। पुदीने के पत्ते जो ये खाती रहेगी, खाती रहेगी मतलब खुद से डिफाइन कर दिया भाई फीमेल है। इसका दोस्त मिल जाए ना कोई, मेरे को कोई दोस्त मिला था कोई इसका? नहीं। चलो बेबी चटनी में होगा क्या बताओ, राजीव ही असली है पीछे। चटनी अब जहरीली हो गई हो। ही विल लिव अ गुड लाइफ, खाना भी और पीना भी। लेट मी चेक इसका भाई मिल जाए या इसका बॉयफ्रेंड या इसकी माँ या इसकी सास या ससुर या देवर देवरानी कोई तो होगा या इसकी सौतन। अब एक एक पत्ता चेक किया जाएगा। देखा कहीं पे कोई मिला नहीं, इसका नाम क्या रखे, जम्मू ले जाएंगे साथ अपने। नाम क्या रखे इसका, बस मारे ना यार, ये मुझसे बहुत अटैचमेंट हो गई है। खाओ खाओ एक मंथ मान के साथ, ये भी सही। बता इसका नाम क्या रखूं, अटैचमेंट भी होगी बोलन से। आईफोन ही बेकार है, क्या कर सकते हैं। रिट भाई मिल गया, भाई मिल गया इसका, ये देखिए आए ट्रक के आईफोन से। सीरियसली डू यू थिंक ये चटनी खानी चाहिए? पीछे सामान देखो कैसे फेंका हुआ है। बहन से मिलाप करते हैं हम आपको। अरे तू जिंदा है, मेरे को लगा तेरी चटनी बन गई। अरे नहीं, अपर्णा देवगाल ने बचा लिया, अब हम जम्मू जाएंगे, हम इन दोनों की बातें शाते होंगी, फिर प्यार होगा, क्या पता भाई बहनों पर इनको क्या पता। बस मैं चाहती हूँ एक लड़का और एक लड़की हो, फिर इनकी थोड़ी पैदावार बढ़ेगी, फिर मैं पूरा जम्मू में अपना पूरा इन सबको फार्म बनाएगी। हाउ टू टेक केयर ऑफ बेबी स्नेल्स, बेबी स्नेल्स बेबी तो है और गए सीखा जा रहे।
मजा आ गया चाची, आज तुमने क्या खाना बनाया, और चटनी, आई थिंक चटनी में 5-10 स्नेल तो गई होंगे, उसका जो स्वाद आ रहा है ना, मतलब हां तभी मैंने नहीं खाई। हाँ, उसकी फैमिली खा रही हो। स्नेल तो है, कितने क्यूट होते हैं। कहीं उनको नहीं कहूंगी, वो तो मेरे बच्चे हैं ना, मैं उनका नामकरण करनी है। ठीक है, अब मैंने वीडियो शूट देख लिया पूरी, इनको कैसे पालना है, पर ये कुछ ज्यादा ही छोटे हैं बच्चे, बिल्कुल न्यूली बॉर्न, शायद माँ से अलग हो गए, शायद ट्रॉमा में है। फ्रिज के ट्रॉमा, हाँ फ्रिज में ट्रॉमा, फ्रिज में कब से पड़े हुए थे, तब से सर्वाइव भी कर लिया इन्होंने। और अभी राजू तो कह रही है कि ये बेटा डेड डेड है, ये स्नेल मरे हुए निकले। इज इन दैट अच्छे से एनालाइज किया, मैंने देखा आंखें थोड़ी थोड़ी हिल रही है, बेचारी होश में आ रही है बाहर, थोड़ी गर्मी उसको मिली। तो इन दोनों को पालेंगे, और अभी क्या करना है, बाहर से पत्ते सूखे लेके आने, तो ताकि रात को ही उन पर आराम कर सकते, थोड़ा इनको शेल्टर मिलेगा, तो मॉइस्चर भी हो गया, शेल्टर भी हो गया, पानी का भी बंदोबस्त करेंगे, साइड पर थोड़ा सा रख लेंगे, और खान पान भी इनको रोज डाल देंगे। राजी ऑनलाइन कुछ खाने को देख रही है, क्योंकि राजू को स्नेल्स देख के उल्टी आ रही है, मैं इसको स्नेल्स नहीं पसंद, पता नहीं मेरे को तो स्नेल बहुत क्यूट लगते हैं, इसको उल्टी आ रही है स्नेल वाली फिल्म भी तो है, ऐसा क्यों बहना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, असल में उल्टी ना उन्हें इसलिए आ रही है कि वो पुदीने में थे, और पुदीने की उन्होंने बनाई चटनी, चटनी की वजह से परेशान हो रही है कि पता नहीं पिच कम कर थोड़ी, ठीक है क्या पता डाल दी हो वाली भाई, हाय इतनी तेरी हाँ तो क्या हो गया है ना तू कुत्ती कोको को मारती है, लास्ट थप्पड़ मेरा होना चाहिए, ठीक है ना, लास्ट थप्पड़ मेरा होना चाहिए। क्या चल रहा है ये, हाँ क्या कर लेगी, मेरे हाथ में दर्द हो रही है मार के, देख कितनी नाजुक हूँ, क्यों ऐसे करती है, तू चाहती है मैं अपना डंडा उठाऊं, हाँ। राजी ने फिर अपने लिए कचरा ऑर्डर कर लिया, बहुत गंद खाती है आजकल, मैं इसमें से कुछ भी नहीं खाती, मैं खा ही नहीं सकती। तो आज है इनका डे टू, और ये एक खा रहा है कुकुम्बर, कल डाला था मैंने आधा, और ये दूसरा है वो खा रहा है पुदीना, पुदीना ये मैंने इनके लिए लीची का घर बनाया हुआ है, ये इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, सूखी जगह अगर इनको चाहिए, अगर मॉइस्चर चाहिए तो मिट्टी में घुस सकते हैं, और खान पान का प्रबंध किया हुआ है, और मैं बार बार इनको चेक कर रही हूँ कि कोई कोई दिक्कत ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, स्नेल ही है भाई, बड़े होंगे इतने खूबसूरत होंगे मेरे दो बेटे, मैं बड़े होंगे इनके टमाटर जितने बड़े होंगे, तो टमाटर जितने बड़े हो गए रहेंगे, देख लेना तू, ना चुप करो आप यार, रहने दो मैं पाल रही हूँ, आप पता नहीं क्यों सड़ रहे हो मेरे से, बोलती सड़ रहे हो मेरे से, आए इसी चीज में कैसे को सड़ने वाला लोग सड़ते हैं राजी, चलो खान पान चल रहा है, अच्छी बात है, दूसरा नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ गया, बाहर तो नहीं निकल सकता वैसे, कहाँ चला गया, तो जो रात को छुपा था वो ये है, और दूसरा ये है, इनके लिए मैं एक न्यू इकोसिस्टम क्रिएट कर रही हूँ, चलो हो गया इकोसिस्टम क्रिएट, आई थिंक इन दोनों की फ्रेंडशिप होगी इसलिए दोनों इकट्ठे सोए, अब इनको और खाना पानी अलग डालूंगी, पत्ता सूख गया है, चलो नाउ इट्स लुकिंग बेटर, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, पर बड़े कब होंगे यार, ऐसे थोड़ी होंगे, आई थिंक मेरे पेट्स की डेथ हो गई है, हां थोड़ी ये कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे, डार्क हो गई, बाहर निकल रहे हैं, कल तक देखती हूँ, अगर मर गए हुए तो अंतिम संस्कार कर दूंगी, अंतिम संस्कार कैसे करोगी, अच्छा बहरहाल मुझे नहीं पता स्नेल्स की कितना लाइफ स्पैन होता है, लेकिन यार ये होता है तो है, मतलब बड़े साइज़ में भी दिखते हैं, छोटे साइज़ में भी दिखते हैं, और ज़्यादातर मॉइस्चर और ह्यूमिड प्लेसेस पे होते हैं, ठंडे एनवायरनमेंट में रहना इनको पसंद होता है, तो अगर तो इनकी डेथ हुई है तो वो इस वजह से हो सकता है कि ये रूम टेम्परेचर पे आ गई, क्योंकि फ्रिज में 25-20 तक का टेम्परेचर होता है, तो वो सही होता है इनके लिए। दूसरा आप ये देखो, इतने छोटे से स्नेल्स हैं, लेकिन अपर्णा की एक्साइटमेंट चेक करो भाई, वो फुल उनको लेके सीरियस थी, तो ये अच्छा लगा, देखो यार यही चीज़ें तो हमें अपर्णा की अच्छी लगती हैं, और इसी वजह से हम इनका वीलॉग भी देखते हैं, बहुत सारे वीलॉग्स पे हम रिएक्ट भी कर देते हैं, बहुत सारे पे नहीं भी करते, वो हम ऑफ द रिकॉर्ड देखते हैं, और ये अलग ही करेक्टर है भाई, मैंने आज तक किसी वीलॉगर को इतना जो है ना विदाउट स्क्रिप्ट नहीं देखा मैंने, मतलब जो दिल में आया बोल दिया, जो जबान पे आया पक दिया, तो यही चीज़ें होती हैं, और जिस तरह से लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन होता है वो भी अलग होता है, लास्ट वीलॉग हमने किया था वो ऊबर वाले भैया, मतलब आज तक तो हमने भी किसी जो है ना
कैब वाले के साथ इतनी फ्रैंकनेस नहीं की जितनी वरना की थी। तो सही है, इस तरह का होना चाहिए यार। बंदे के अंदर जो एक छोटा बच्चा होता है ना, उसे कभी मारना नहीं चाहिए। आल दो के जब जिम्मेदारियाँ आती हैं, स्ट्रेस होती है लाइफ में जब चलते हैं, तो वो बच्चा कहीं खो जाता है, लेकिन उसे खोने नहीं देना चाहिए। हमें बड़ा अच्छा लगा ये व्लॉग देख के, छोटे छोटे से क्यूटे क्यूटे से, लेकिन लास्ट वाला जो क्लिप था उसमें उनका कलर थोड़ा डार्क हो गया था। अब या तो वो वाकई उनकी डेथ हो गई, या फिर हो सकता है हाइबरनेशन मोड में गए हुए हों। क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।